उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के ग्राम कुसमा बेलवा थाना रामपुर कारखाना के रहने वाले गोरख यादव पुत्र रामजीत यादव की पत्नी सुमन यादव ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया, जिसमें तीन लड़कियां और एक लड़का है। बच्चों का वजन कम होने के कारण उनको मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक बच्चे का वजन 1 kg, दो बच्चे 700 ग्राम के और एक बच्चे 900 ग्राम का बताया जा रहा है। सुमन ने पेट में दर्द होने की बात परिजनों को बताई थी, तभी परिजन नोबल हॉस्पिटल पूर्वा चौराया लाए और भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑपरेशन करने की सलाह दी। डॉक्टर शारिक अहमद ने अपनी पूरी टीम के साथ ऑपरेशन किया, जिसमें सुमन यादव ने चार बच्चों को जन्म दिया। 7वें माह में ही ऑपरेशन की वजह से बच्चे कमजोर हैं। देवरिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति स्थिर है। खुशी महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मान लीजिए अनोखा हुआ है, चार बच्चे हुए साथ में, तीन लड़के हैं, तीन लड़की हैं, एक लड़का है जी। बच्चा ऑपरेशन से हुआ है नोबल हॉस्पिटल में, नोबल नोबल जी। डॉक्टर का नाम तो उनका शायद नाम नहीं याद आ रहा है, हॉस्पिटल का नाम मालूम है, आशुतोष श्री, अतुल अतुल सिंह, अतुल सिंह सॉरी। हाँ स्वस्थी है, मान लीजिए अभी बच्चे का वजन कम है। हाँ बच्चे मेडिकल में भर्ती हैं, मेडिकल कॉलेज में कुसमा बेलवा रामपुर कारखाना। पेशेंट हमारे पास पेट दर्द को लेकर आई थी, तो सर कंडीशन उसका सही नहीं लग रहा था, तो ऑपरेशन से उनका बच्चे को निकाला गया, जिनको चार बच्चे हुए। लड़के कितने लड़के? उसमें तीन लड़कियां एक लड़का। बच्चे की कंडीशन नहीं सही थी तो उनको सदर हॉस्पिटल देवरिया रिफर किया गया। जी सर एडमिट है जी, वहाँ पे एडमिट है, बच्चे अच्छे हैं। महिला यहाँ पे हमारे यहाँ है। अभी सुमन का क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, भाई कंडीशन अच्छा है उनका। ब्लड वगैरह जी सर प्लेटलेट चढ़ा था सीजर के पहले।